जो मुकदमा है उसको विड्रॉल करने की कार्रवाई मैं करूंगा, आप चिंता करने की। तुषाराम जी का ये दावा सरासर झूठ है और ओडाराम जी को तो पता भी नहीं है कि मुकदमे वापिस कैसे होते हैं। सिरोही विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी ओटाराम देवासी ने शनिवार को सिरोही के रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। तस्वीरें बता रही हैं कि उन्होंने दो बार अपना नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष जमा करवाया। एक बार नामांकन रैली से पूर्व जिसमें उनके साथ भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री और प्रदेश सह प्रभारी विजया रहाटकर नजर आ रही हैं, दूसरी बार नामांकन रैली के बाद जिसमें उनके साथ पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष तारा भंडारी नजर आ रही हैं। दोनों नामांकन पत्र जमा करवाने के बीच अहिंसा सर्किल पर उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने सिरोही के विधायक संयम लोढ़ा के पिछले 5 साल के कार्यकाल में हुई अनियमितता के बारे में बोला। इस दौरान उन्होंने संयम लोढ़ा के साथ उनके पुत्र पर भी निशाना साधते हुए भ्रष्टाचार के आरोपों में लपेटा। इसी दौरान उन्होंने एक दावा भी किया, वो ये कि संयम लोढ़ा के विधायक काल में जिन भाजपा कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज हुए हैं वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ हैं। यही नहीं, उन्होंने विधायक चुने जाने पर इन मुकदमों को वापस लिए जाने का भी वायदा कर लिया। लेकिन क्या वाकई ओटाराम देवासी ये कर पाएंगे? इसके लिए भाजपा के उन पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बात की जिन्होंने वसुंधरा राजे के पहले कार्यकाल के दौरान मुकदमों में नामजद होने का दर्द झेला और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के दूसरे कार्यकाल के दौरान ओटाराम देवासी के मंत्री पद पर रहते हुए मुकदमे झेले। ओटाराम देवासी के विधायक रहते हुए मुकदमों की वापसी नहीं होने और उनके विधायक होते हुए नए मुकदमे झेलने वाले इन नामजद भाजपा के पदाधिकारियों ने अपनी पीड़ा कुछ इस तरह बयां की। हमारे कई कार्यकर्ता, जिनके ऊपर उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है, आप चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा हूँ। एक एक मुकदमा का उसको विड्रॉल करने की कार्रवाई मैं करूंगा, आप चिंता करने की। आप लोग बताइए, कल जो स्पीच ओटाराम जी ने दी थी उसमें उन्होंने ये दावा किया था कि अगर मैं वापस एमएलए बनता हूँ सिरोही का तो संयम लोढ़ा के विधायक काल के अंदर भाजपा के जितने भी कार्यकर्ताओं पे एफआईआर दर्ज हुई है उनको वापस लिया जाएगा। तो आप लोग इसके पीड़ित रहे हैं, तो आप बताइए किस तरह से उन्होंने आपके ऊपर एफआईआर वापस लेने के लिए सहयोग किया या त्वरितता दिखाई उन्होंने? ओटाराम जी का ये दावा सरासर झूठ है। ओटाराम जी कृष्णगंज जाकर पूछे गांव वालों से और भाजपा और संघ के कार्यकर्ताओं से, आज तक उन दावों का जो दंश है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और संघ का कार्यकर्ता भुगत रहा है। ओटाराम जी के सामने पत्रावलिया ले 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 के चप्पलें घिस गई, लेकिन उन मुकदमों को विड्रॉ नहीं किया गया, सरकार के सामने उनका प्रेजेंटेशन नहीं दिया गया और इससे मजबूर होकर वहां गांव के कार्यकर्ताओं ने वो जो दोनों पक्ष थे हिंदू मुस्लिम वो जो दोनों पक्ष थे उन्होंने ये तय किया कि अब हम इन राजनीतिक दलों के पास नहीं जाएंगे और हम आपस में बैठकर इसका समाधान करेंगे। और वो जो दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जो मुकदमे किए थे उन दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर वापस अपने अपने मुकदमे ले लिए और वो दोनों मुकदमे समाप्त करवा दिए। इसके अलावा जो तीसरा मुकदमा था वो तीसरे मुकदमा आज 2012 और 13 से आज 2023 आ गया, आज भी वो चप्पलें घिस रहे हैं। क्या 2012 और 13 के बाद ओटाराम जी का कार्यकाल नहीं था? ओटाराम जी का कार्यकाल था, इसके बावजूद भी कार्यकर्ता आज भी इन मुकदमों को लेकर पीड़ित है। इसके अलावा विद्यार्थी परिषद का एक ब्रिलियंट छात्र था नारायण राम देवास चौधरी, कॉलेज में किसी आंदोलन को लेकर संगठनात्मक काम को लेकर उसके विरुद्ध मुकदमा हुआ,
और उस मुकदमे से वो इतना पीड़ित हुआ, इतना पीड़ित हुआ कि उसने उस वो रास्ता ही छोड़ दिया और वो कानून की शरण में, आज की तारीख में कानून की शरण में गया और कानूनी लड़ाई को लड़ रहा है और वो थक गया इनके पीछे जा जाके, तो मुझे लग रहा उसका। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे भूल गए, वहां पर पानी का जो मुकदमा हुआ था उस मुकदमे को, पीएचडी में क्या हुआ उस मुकदमे का, क्या था क्या उस मुकदमे में, क्या किया ओटाराम जी ने, उस पीएचडी के जो एएन जेएन जो भी थे उसको 15 अगस्त और 26 जनवरी को वहां पर सम्मानित किया, ये किया ओटाराम जी ने। 2008 के अंदर आप दोनों को यहाँ पे हुआ था उसके अंदर मुझे ध्यान है कि उसकी एफआईआर शायद वापिस हो गई, क्या किस तरह की कठिनाइयां आपको सामने करना पड़ा उसके लिए? सामना करना पड़ा 2008 के उस एफआईआर के कारण मेरा राजनीतिक बलिदान हुआ है। 2009 के इलेक्शन में, 2000 इलेक्शन के अंदर जब 2014 का चुनाव आया और जब ओबीसी की सभापति की सीट आई, तो जिस प्रकार से मैंने जो नगर के अंदर काम किया था या राजनीतिक संगठन के अंदर काम किया था या संघ के अंदर काम किया था मैंने, उसमें एक सभापति का मैं दावेदार था मजबूत। हमारे लोगों ने वो मुकदमे वापिस नहीं हो उसके लिए जयपुर के चक्कर लगाए, उस फाइल को रुकवाने के प्रयास किए, और हमारे लोगों ने जो संघ के नाम से बड़ाबिस बन के घूमते हैं उन लोगों ने मेरी एफआईआर की कॉपी लाकर आगे वाले विपक्ष तक पहुंचाई और मेरा फॉर्म खारिज करवाया गया। क्या ये पूरा सिरोही नहीं जानता है? उससे ज्यादा पीड़ा क्या हो सकती है जब एक राजनीतिक कार्यकर्ता के अवसर मिलता है और पूरी जनता उसको जब चाहती है और उस समय उसको बाहर होना पड़ा। लेकिन उन लोगों को जो उपदेश देते हैं, जो हमको ये पाठ पढ़ाते हैं अनुशासन का और हमको ये राष्ट्रवाद बताते हैं, वो अपने गिरिबान में झाके है कि उन लोगों ने किस प्रकार का साजिश करके, षड्यंत्र करके मेरे एफआईआर की कॉपी वहां से निकलवाकर और निकलवाकर जहां तक पहुंचाने का जो कृत्य किया वो सब पता है अधिकारियों को हमारे। उन लोगों ने आज तक क्या उनको कभी किसी ने कुछ कहा नहीं कहा। सबसे ज्यादा पीड़ित मैं हुआ और हमारे भाई जो पीड़ित हुए सालों साल के अंदर 365 दिन में से कम आधा साल हमारा पेशियों के अंदर जाता था, हमारा परिवार परेशान होता था किस प्रकार से इनको सजा होगी क्या होगी। एफआईआर जो है भाजपा के चक्कर में हुई, उसके बाद लगातार दो बार ओटाराम जी विधायक रहे, यहाँ के मंत्री भी रहे, किस तरह से उन्हें उसे वापस लेने का प्रयास किया, कब हुआ वो? भाई साहब लेने का तो छोड़ो, हमको किसी ने आगे ये नहीं पूछा है कि हमको कोई तकलीफ तो नहीं है, कहीं पर आपको कोई अच्छा वकील की जरूरत तो नहीं है, कहीं पर आपको किसी सुविधा की जरूरत तो नहीं है, किसी ने भी किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। जो हम 30 लोग पीड़ित थे उन्होंने उसको भोगा है, उसमें खास करके हम जो 5-10 लोग अग्रणी थे उन लोगों ने किस प्रकार से उसको मैनेज किया है, और निश्चित रूप से वो जो मुकदमे थे वो चुनाव के बाद में अशोक जी का इसमें विशेष करके योगदान रहा, और मैं धन्यवाद दूंगा हमारे जो बीजेपी के जो हमारे उनका सिंह लकावत थे उन्होंने अपना व्यक्तिगत उसमें पूरा सहयोग किया, और मैं धन्यवाद दूंगा हमारे संघ के जो प्रकाशी भाई साहब थे उन्होंने उनके मार्गदर्शन के अंदर ये सब काम हुआ। ओटाराम जी की उसमें किसी प्रकार की भूमिका नहीं रही, ओटाराम जी ने किसी प्रकार का उसमें कोई सहयोग नहीं किया, और ओटाराम जी को तो पता भी नहीं है कि मुकदमे वापिस कैसे होते हैं। वो बार बार जयपुर में जाना तो डिपार्टमेंट ए में था और वो जाते थे डिपार्टमेंट बी में और हमको कहते थे कि आपके मुकदमे वापिस हो जाएंगे। मुकदमे किस प्रकार से वापिस हुआ सब कार्यकर्ता जानते हैं। आज भी अगर आप जाके पूछो उनको प्रोसेस के मुकदमे का प्रोसेस क्या होता है विड्रोवल का, नहीं बता पाएंगे कि प्रोसेस क्या होता है। जब उनको प्रोसेस तक पता नहीं है तो विड्रोवल की बात उनसे कैसे अपेक्षा कर सकते हैं। आज गोपाल जी जिस प्रकार का झूठा आश्वासन दे रहा है, मैं समझता हूं मुझे आज इस प्रकार से कहते हुए बहुत अफसोस होता है कि गोपाल जी किसी का चालान भी रुकवा सकते हैं क्या? मुकदमे वापस लेने की बात कर रहे हैं ओटाराम जी। अरे जामाल के कार्यकर्ताओं को याद करो जिन्होंने सर्किट हाउस में चप्पलें घिस दी थी, उन जामाल के कार्यकर्ताओं ने मुकदमों का दर्श झेला और वो मुकदमे किसने वापस करवाए? आखिर में उनको क्यों जाना पड़ा विपक्ष के शरण में? इस बात के ऊपर ओटाराम जी विचार करें और उसके बाद में अपना बयान दे रहे। अगर मैं लिस्ट गिनाने जाऊंगा ना तो ओटाराम जी के चेहरे उतर जाएंगे। ताराराम माली 10 मुकदमे है ताराराम माली पर, किसी ने सिंगल कोई ज्ञापन भी दिया है क्या भारतीय जनता पार्टी ने? कभी कोई आंदोलन भी किया है क्या भारतीय जनता पार्टी ने? आप कहते मुकदमे वापस ले लेंगे, आपको पता ही नहीं है कि मुकदमे ताराराम माली पर कितने हैं और कौन से हैं, कैसे वापस ले लोगे? वापस मुकदमे लेने के लिए उसकी पीड़ा को समझना होगा ताराराम माली की, लेकिन आप किसी कार्यकर्ता की पीड़ा को कभी नहीं समझ सकते। चुनावी दौर है इसलिए आपने यह जो घोषणा कर रहे हो मैं मुकदमे वापस ले लूंगा, ये बिल्कुल सरासर गलत घोषणा है आपकी। मैं आपके इस घोषणा की सर निंदा करता हूं। ताराराम सिंह माली का
डिप्रेशन जाके दूर करो, उनसे पूछो क्या पीड़ा है उनको। गोपाल पाली भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान का युवा मोर्चे का जिला अध्यक्ष, मजबूत कार्यकर्ता भरा, मजबूत कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी कब आगे खड़ी रही, माली समाज और गोपाल माली और युवाओं जो थे उन्होंने जरूर गोपाल माली के लिए उस समय जाकर उनके साथ खड़े रहे। बाकी भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, हितेश ओझा जाकर पूछो कभी उससे, अभी उसने इस्तीफा दिया था भारतीय, कैसे कैसे उसने पीड़ा झेली है थाने में, किसके मुकदमे थे, संगठन के मुकदमे थे, क्या काम कर रहे थे, संगठन का काम कर रहे थे, किसके लिए काम कर रहे थे, संगठन के लिए काम कर रहे थे, कभी पूछा हितेश ओझा को क्या पीड़ा है तेरी, नहीं पूछा। इसके अलावा मैं आपको बिल्कुल एकदम आज की एकदम लतेश बताता हूं कि इनकी पॉलिसी और कैसे रहते हैं, इनका जो व्यवहार वो कैसा रहता है। पिछले दिनों गजेंद्र सिंह जी यहां आए थे और उसका तो सबको पता है कि उसका मुकदमा विपक्ष ने केंद्रीय मंत्री पर दर्ज करवाया था, लेकिन क्या ओटाराम जी ये जानते हैं कि उनके साथ साथ एक कार्यकर्ता और जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ है, वो कार्यकर्ता है अर्ची राम चौधरी, उसका भी नाम है उस मुकदमे में। भारतीय जनता पार्टी का ये जो मुखिया बन के बैठे हैं, मठाधीश बन के बैठे, अर्ची राम चौधरी को एक भी फोन किया हो तो बता देवे, अर्ची राम चौधरी का भी उस FIR में नाम है, केंद्रीय मंत्री है, वो तो मुकदमे लड़ लेगा, वो उसको फेस कर लेगा। अर्ची राम केवल हमारे जैसा कार्यकर्ता के सामने वो अपनी पीड़ा रखता है और हमारे जैसा कार्यकर्ता उसको संबल देता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, ओटाराम जी को मुझे लगता है पता भी नहीं होगा कि अर्जी राम चौधरी का उस FIR में नाम है, और अर्जी राम चौधरी को जयपुर और दिल्ली कहां कहां तक पिछले पर जाना पड़ सकता है, वो मुकदमा कहां ट्रांसफर हो गया आज पता है क्या, बताए ओटाराम जी का आज की तारीख में वो मुकदमा कहां चल रहा है। और ये जो हमने निर्णय किया है ना, ये सब चीजों का मंथन करने के बाद में, चिंतन करने के बाद में, और इस प्रकार की पीड़ा जो कार्यकर्ता भुगत रहा है, तब जाके हमको ये निर्णय करना पड़ा है।